गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और हैप्पी होंगे। आपको और भी हैप्पी करने एक छोटी सी रेसिपी लाया हूँ बहुत दिनों बाद। चलो आपको मैं उसका मीजा दिखाता हूँ, क्या क्या है उसकी जो हम बनाएंगे, उसके लिए हमने क्या क्या तैयार किया है। चलो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैगी है, मैगी को मैंने क्रश करके रखा है, देख सकते क्रश कर रखा है मैगी को मैंने। और यहाँ पे दोस्तों एक ग्रीन कोरिएंडर है, कोरिएंडर लीफ, एक गार्लिक है चॉप, चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिल्ली एंड डाइस ग्रीन चिल्ली। और दोस्तों यहाँ पे डाइस प्याज, डाइस ऑनियन एंड डाइस कैप्सिकम है। दोस्तों एक मार्केट से लाया था मैंने कैप्सिकम, पर ग्रीन मिर्ची, ये येलो है, येलो यूज कर रहा हूँ। आप इसमें ग्रीन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे चॉप ऑनियन है, ये सोया सॉस है, ये विनेगर है, ये ग्रीन चिल्ली सॉस है, एक टमाटर केचप है, एक कॉर्नफ्लोर है और एक रेड चिल्ली सॉस है। चलो आपको बता दूँ कैसे बनाना है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों मैगी है यहाँ पे, दोस्तों मैगी के हम मंचूरियन बनाएंगे, मैगी के बॉल बनाएंगे। चलो मैंने पानी गर्म करके रखा था, पानी गर्म हो चुका है, इसमें हमें मैगी डालना है। दोस्तों हमारे जो मैगी हमने दाल के बॉयल होने के लिए बॉयल हो चुका है, ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना है। जैसे आप चाउमीन उबालते हो, चाउमीन से थोड़ा और एक्स्ट्रा कुक करना है इसको, इसलिए इसको हमने बॉल बनाना है, इसके बॉल अच्छे से बन पाए। चलो दोस्तों कर लगे दोस्तों, दस पसा हो जाएगा, एक चिप करेगा तो बॉल अच्छे से बन नहीं पाएंगे, और जब हम उसको डीप फ्राई करेंगे तो अच्छे से कुछ भी नहीं हो पाएंगे। चलो आप इसको हमें इसका पानी स्टैन करके, दोस्तों हमने इसका पानी स्टैन कर लिया है। दोस्तों मैंने मैगी को स्टैन करके और उसका पानी अच्छे से निकाल के बॉल में डाल लिया है। चलो जिंजर डालने और थोड़ी सी मिर्ची एंड थोड़े से चॉप प्याज। चलो और इसमें हमने डाले ऊपर। मैं लाइट चमक रही थी तो लाइट बंद कर लिया, तो ब्लर दिख रहा होगा। थोड़ा उसमें और कॉर्नफ्लोर की जरूरत है हमें। तो ज्यादा मैश ना करें, अगर मैश कर लोगे तो अंदर से पूरा जब हम डिश को डीप फ्राई करेंगे तो उसका कॉर्नफ्लोर अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसमें मैंने एक पैकेट मैगी लिया था और उसके साथ मैंने 30 से 40 ग्राम मैदा होगा। और दोस्तों मैगी मैदे की है तो सॉरी कॉर्नफ्लोर डाला था मैं 30 से 40 ग्राम कॉर्नफ्लोर डाला था। और उसके बाद हमने इसके बॉल बनाने हैं। चलो दिखाता हूँ आपको बोल बना के मैं।
दोस्तों हमारा डो तैयार हो चुका है। चलो इसके लिए हम बॉल बनाएंगे। अब दोस्तों बॉल बनाने से हल्का अपने हाथ में ऑयल लगा ले, क्योंकि बॉल आपके हाथ में चिपकेंगे नहीं। दोस्तों हमने अपने हाथ में ऑयल लगा लिया है, इसके हमने ऐसे बॉल निकालने हैं और ऐसे बॉल बनाने हैं, ज़्यादा बड़े ना बनाएं। दोस्तों पर लाइट की वजह से चमक रहा है तो वाइट बॉल भी वाइट है, ऐसे बॉल बना के रखना है हमने। चलो दोस्तों बॉल हमारे बन चुके हैं। चलो तो मैंने फिर से मैगी लिया है, मैगी में दोस्तों हमको हमने इसका बाहर से क्रम लगा देना है, जैसे क्रम लगाते हैं रसीद में मैगी लगाना हमने, क्योंकि अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा ये और काफ़ी टेस्टी होगा खाने में। चलो दोस्तों बॉल हमारे बन चुके हैं, देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बॉल है। ये मैंने उसके बॉल बना रखे हैं जो हमने मैगी बॉल किया था, उसके बॉल है। और मैंने बाहर से दोस्तों मैगी के कच्चा मैगी इसमें पोडिंग कर रखा है बाहर से, और अच्छे दबा रखा हाथों से। चलो दोस्तों अब दिखाता हूँ, इसको मैंने डीप फ्राई करना है, तो काफ़ी अच्छा लगा दिखने में, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। चलो इसको हम डीप फ्राई करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑयल रखा कढ़ाई पे, गर्म हो चुका है ऑयल, ज़्यादा गर्म भी नहीं है। अगर ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो बाहर से तो हमारा बॉल पक जाएंगे, पर अंदर से इसका मैदा और कॉर्नफ्लोर अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा, तो आपका खाने में अच्छा लगेगा आपको। और इसको अच्छे से तेल को कम कम हीट में डालें। तेल का ये टेम्परेचर दोस्तों 50 से 70 के बीच पे बीच का टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर में आप डालें बॉल्स को, क्योंकि दोस्तों अगर आप बॉल को एकदम हीट ऑयल में डालेंगे तो आपके बॉल बाहर से तो अच्छे ब्राउन हो जाएंगे बट अंदर से कच्चा रहेगा। चलो दोस्तों दिखाता आपको इसको निकाल के। मैं दोस्तों इसी स्लो हीट में इसको आराम से 5 से 10 मिनट के बीच तक इसको पकाएं अच्छे से, क्योंकि हमें अच्छे कुक करना है इसको। देखो तो काफ़ी अच्छी बेंडिंग काफ़ी अच्छी बनी है इसकी, फट भी नहीं रहा है आप देख सकते हैं। काफ़ी इजी रेसिपी है दोस्तों, और जो मैंने इसमें मीजा यूज किया है वो आपको इजीली मिल सकता है घर पे या मार्केट में। दोस्तों जब तक हमारे बॉल तैयार होते हैं तब तक इसका ग्रेवी बना लेते हैं मंचूरियन की। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक पैन ले रखा है, पैन में दोस्तों हमने ऑयल डालना है। दोस्तों मैंने पैन में ऑयल डाल रहा हूँ, एक टेबल स्पून होगा ये ऑयल। चलो इसको हम पहले ग्रेवी बना के रख लेते हैं, और जैसे हमारे बॉल फ्राई होंगे तो हम आपको दिखाते हैं तैयार करके कि कैसा बना है। दोस्तों ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हमने इस पर गार्लिक डालना है, गार्लिक के साथ साथ जिंजर, जैसे हल्का जिंजर गार्लिक रोस्ट हो तो उसका हमने ना ग्रीन चिली डालना है, उसको अच्छे से हमें रोस्ट करना है। जैसे दोस्तों रोस्ट होने के बाद इसमें हमने ऑनियन डालना है, और ये बार बेल पेपर भी डालना है। इसको हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना दोनों को। चलो दोस्तों हमारे बॉल्स काफ़ी अच्छे गोल्डन कलर के हो चुके हैं, देख सकते हो आप। थोड़ा हल्का रोस्ट और करना है हमने इसको, थोड़ा और गोल्डन कलर लाना है इनका, देख सकते दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। और यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो रहा है मंचूरियन के लिए। दोस्तों सेम जैसे वेजिटेबल मंचूरियन बनते हैं वैसे ही इसकी रेसिपी है, मैंने थोड़ा डिफरेंट बना रखा है मैगी के साथ, और मैंने इस पर
ये जो डाइस ऑनियन और डाइस कैप्सिकम डाला है, बस इसको आप अवॉइड करके इसको सेम चॉप ऑनियन में सेम मंचूरियन की तरह बना सकते हैं। दोस्तों हमारे बॉल्स काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, चलो इनको हम निकाल के एक उसमें। दोस्तों हमारे बॉल तैयार हो चुके हैं, जो मैंने बॉल में रखे हैं, देखो दोस्तों काफ़ी प्यारे लग रहे दिखने में, आप देख सकते हैं। प्याज और कैप्सिकम अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अच्छे कुक हो चुके हैं, इस पर अपने हम सबसे पहले इस पर हमने सोया सॉस डालना है, एक टीस्पून होगा। इसके बाद दोस्तों हमें से ग्रीन चिली सॉस डालना है, उसके बाद दोस्तों टमाटो केचप डालना है, उसके बाद हमें रेड चिल्ली पेस्ट डालना है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें दोस्तों हमने हल्का पानी डालना है मसाला पकाने के लिए, और दोस्तों देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें ग्रीन धनिया डालना है, हरा धनिया, और यहाँ से नमक डालना है, थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले अपने, काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन चुकी है। मैं इसको ड्राई बना रहा हूँ दोस्तों, आप इसको ग्रेवी वाला बना सकते हैं, सेमी बना सकते हैं, थिक ग्रेवी बना सकते हैं, बट इसको मैं ड्राई बना रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इनमें मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर रखा था, आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हो, इसमें अच्छे थोड़ा अच्छे ब्रांडिंग आ जाएगी, बट दोस्तों आप इसमें कॉर्नफ्लोर यूज ना भी करें चलेगा, तो मैं थोड़ा हल्का कॉर्नफ्लोर यूज कर रहा हूँ, उसमें कॉर्नफ्लोर है। और सर दोस्तों हमें इसमें एक बॉल डाल देना है, चलो दोस्तों हमारे मंचूरियन रेडी हो चुके हैं। दोस्तों सेम मंचूरियन लग रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर भी आ रखा है और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। चलो इसको मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है, चलो दोस्तों इसको प्लेट में डालते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों मंचूरियन हमारा रेडी हो चुका है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, चलो आपको काट के दिखाता हूँ इधर से कैसा दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा कुक हो चुका है, कुक हो प्रॉपर कुक हो रखा है, ये देखते हो अंदर से इसका। और चलो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो चैनल में नए हैं, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।